नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। गुजरात इलेक्शन में तमाम उठापटक के बाद आज कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी और हार्दिक पटेल का आज मिलन हो सकता है और किसी खास मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर बात बन सकती है, मगर ये कयास लगाए जा रहे हैं। आज हमारे साथ सहयोगी, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी काशिप अली जी हैं और हम उनसे चर्चा करेंगे कि आज काशिप अली जी, क्या लगता है आपको कि हार्दिक और राहुल गांधी के बीच बात बन सकती है क्या? जी देखिए, कयास तो बहुत दिन से लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी और उनके बीच में शायद कुछ बात बन सकती है, लेकिन अगर हम राजनीतिक समीकरणों की अगर हम बात करेंगे तो जिस तरीके से पिछले दिनों पूरा ड्रामेबाजी रही कि जिस तरीके से हार्दिक पटेल का बीजेपी से मोहभंग हो रहा है, जिस तरीके से वो बीजेपी से दूरी बना रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस के करीब आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस से वो शर्तों पे बात करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि शर्तों पे हमें बात करी जाए और शर्तें रखी जाए कि इतना आरक्षण दिया जाए पटेल समुदाय को, तो हो सकता है कि कांग्रेस के बीच उनके बीच बातचीत हो सकती है। आज राहुल गांधी आज दौरे पर हैं, आज आखिरी दौरा है उनका, तो हो सकता है कि कुछ बात बन जाए इसमें। काशिप अली जी का कहना है कि हो सकता है, एक संदेह जताया जा रहा है क्योंकि आज तय था कि राहुल गांधी गुजरात जाएंगे और हार्दिक पटेल ने भी ये साफ किया था कि राहुल गांधी अगर हमारी बातों को, हमारी मांगों को मान गए तो हम उनका साथ देंगे। लेकिन क्या लगता है कि जो ये आरक्षण का एक मुद्दा बहुत बना हुआ है, तो क्या कारण है कि बीजेपी के साथ क्यों नहीं जाना चाहते, बीजेपी क्यों नहीं इस चीज़ को बनाना चाहती? देखिए, बीजेपी के साथ ना जाने की उनकी सबसे बड़ी वजह ये है कि दो साल में वहाँ वो दो साल से करीब आरक्षण को लेकर आंदोलन चला रहे हैं और उनका यही सीधा सीधा आरोप है कि बीजेपी ने उनके आंदोलन को लेकर कोई भी उस पर बड़ा फैसला नहीं लिया, कोई आरक्षण नहीं लिया। और जिस तरीके से आंदोलन के वक्त में जो घटनाएँ हुई, जिस तरीके से हार्दिक पटेल के ऊपर थ्रेट दिए गए, जहाँ पर वहाँ काफ़ी मतलब चीज़ें उस वक्त पर आंदोलन के वक्त हुई थी, तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेकर उनका, हार्दिक पटेल का बीजेपी से मोहभंग हुआ है। अच्छा, लेकिन अभी कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो जिग्नेश हैं उन्होंने खुला तौर पे राहुल या फिर बीजेपी के लिए या फिर कांग्रेस के लिए खुला आमंत्रण पेश नहीं किया था कि मतलब मैं किसी पार्टी को, ऐसी ऐसी राजनीतिक पार्टी को मैं समर्थन दे सकता हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारी जो मांगे हैं उनको अगर कोई मान जाता है तो जिग्नेश पटेल जो हैं, जो जिग्नेश हैं वो अभी तक समर्थन नहीं देना चाहते थे, हो सकता है वो राहुल गांधी को भी समर्थन दे सकते हैं। अभी कयास लगाया, क्या कहना है? बिल्कुल, जाहिर सी बात है वो राहुल गांधी को समर्थन दे सकते हैं क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर तैयार हो रही है। वो कांग्रेस, पूरा कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को देख रही है क्योंकि उसे गुजरात में अपनी ज़मीन तैयार करनी है, क्योंकि पिछले 19 सालों से वहाँ बीजेपी काबिज़ है, वहाँ पर लोग अब शायद बदलाव चाहते हैं, वहाँ जो पाटीदार समाज है, जो पटेल समाज है, जो भी तरीके के वहाँ समुदाय हैं जो आरक्षण चाहते हैं, वो लोग अब चाहते हैं कि उनके समाज को, उनके उन लोगों को, उनके समुदाय को आरक्षण मिले। तो हो सकता है कि जिग्नेश पटेल हों या पेश ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर हों या फिर हार्दिक पटेल हों, ये तीनों ही तीनों कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन जिग्नेश मेवाड़ी ने अभी तक ये पूरा खुला समर्थन नहीं दिया किसी भी राजनीतिक पार्टी को, इसका क्या कारण है कि अगर अल्पेश जैसे जो बड़े नेता, बिल्कुल बिल्कुल, वो उन्होंने क्लियर कर दिया, वो राहुल गांधी के साथ आ गए हैं, राहुल गांधी कई सभाओं में मौजूद रहे, बिल्कुल बिल्कुल, और राहुल गांधी को हार्दिक पटेल ने कहा है कि आरक्षण जैसे मुद्दों पर अगर बात बन जाती है, अगर कांग्रेस का ब्लूप्रिंट तैयार होके आ जाता है तो हार्दिक पटेल भी उनका साथ दे सकते हैं। लेकिन जिग्नेश ने पत्ते नहीं खोले थे, इसका क्या कारण है कि जिग्नेश ने ऐसा अभी तक क्यों होल्ड पे रखा है? देखिए, वो उनके पत्ते ना खोलने की सबसे अहम वजह यही होगी कि उन्हें अभी अपने समाज, अपने समुदाय, जो भी उनकी जाति है, वो उस चीज़ को लेकर अभी सोच में है, अभी वो गहन विचार में है कि कहीं हम अपने पत्ते अभी से खोल देते हैं या किसी सरकार को या किसी पार्टी को समर्थन देते हैं तो हो सकता है कि उनका समाज का, उनके समुदाय का समर्थन शायद थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आरोप लगते रहे, हार्दिक पटेल पे पिछले दिनों आरोप लगे कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, उन्होंने समाज के साथ, अपने पटेल समुदाय के साथ धोखा किया है, तो जिस तरीके की खबरें हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर वो डर रहे हैं जिग्नेश के, कहीं मैं अगर ऐसा करता हूं तो कहीं उनके ऊपर भी आरोप नहीं लग जाए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो तीन बड़े नेता जो गुजरात में देखे जा रहे हैं अभी, जिग्नेश और अल्पेश और हार्दिक पटेल, इन दोनों ने तो थोड़ा
एक इंडिकेट कर दिया है, हिंट दिया है कि मैं अगर हमारी मुद्दों को मान जाती है राजनीतिक एक भी पार्टी तो मैं समर्थन दे सकता हूँ। लेकिन जो एक जो अल्पेश पे थोड़ा अभी लग रहा है कि सेंध लग सकती है बीजेपी। देखिए जिग्नेश की जहाँ तक बात है तो जिग्नेश जो है वो काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं, वो थोड़ा गहराई में राजनीति से करना सोच रहे हैं। हालांकि हार्दिक पटेल और वो अपने पत्ते इसलिए खोलना चाह रहे हैं क्योंकि उन लोगों का 2 साल से वो लोग आंदोलन कर रहे थे उस चीज़ को लेकर, वो सोच रहे थे कि बीजेपी ने उनके लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। इसीलिए तीनों जो नेता हैं अपने अपने समाज के अपने समुदाय के जो नेता हैं वो लोग बहुत सोच समझ के कदम उठा रहे हैं। अच्छा तो एक बात आती कि आखिर हार्दिक और बीजेपी का मोह भंग क्यों हो रहा है? देखिए मैं फिर वही वाली बात कहना चाहूँगा कि हार्दिक पटेल बीजेपी से नफरत, वो कहते हैं ना कि राजनीति में कोई किसी का देर तक सगा नहीं रहता है। तो हार्दिक पटेल एक वक्त में बीजेपी का, जब बीजेपी वहाँ चुनाव लड़ रही थी जब नरेंद्र मोदी वहाँ, तो हार्दिक पटेल कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन आज उन्हें ये लग रहा है कि बीजेपी ने उन्हें ठगा है, बीजेपी ने उनके साथ जो है वो धोखे की राजनीति करी है। तो कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल को इस चीज़ की आघात पहुंचा है, उनको चोट लगी है। और जैसा कि उन्होंने अपनी बातों में भी ये कहा है कि मैं बीजेपी के साथ जुड़ना ही नहीं चाहता क्योंकि बीजेपी ने उनके आंदोलन को कमज़ोर करा है, उनका जो आंदोलन था उनके आंदोलन को कमज़ोर करने में कहीं ना कहीं बीजेपी ने साथ दिया है, इसलिए वो बीजेपी के साथ जाना ही नहीं चाहते। देखिए अब वही बात मैं भी कहना चाहता हूँ कि राजनीति में कोई सगा नहीं होता है, लेकिन अगर इन तीनों में से बीजेपी ने किसी भी सेंध लग, देखो राजनीतिक पार्टियां हैं, बिल्कुल अगर किसी का कोई भी फायदा कहीं दिखता है, अगर पर्सनल एक अकेले का फायदा, जैसे अभी हार्दिक पटेल पे कई आरोप लग रहे थे कि हार्दिक पटेल ने राहुल गांधी से इतना पैसा लिया है और पटेल समुदाय ने उनका बहिष्कार कर दिया, बिल्कुल तो इन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही थी। लेकिन जब चिंगारी जलती है, बिल्कुल, तो धुआं जब उठ रहा है तो चिंगारी तो कहीं जल्दी है, बिल्कुल चिंगारी तो कहीं ना कहीं भड़केगी, वो चिंगारी में कहीं ना कहीं तो वो वलवला पैदा होगा। बिल्कुल मैं वही कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल आपने बिल्कुल बात सही कही कि इसमें चीज़ में चिंगारी जो भड़क रही है वो कहीं ना कहीं आग का रूप लेगी। और जिस तरीके से सरकार या फिर जो जिस तरीके से उन लोगों की राजनीति हो रही है तो वो कहीं ना कहीं चिंगारी भड़केगी। बिल्कुल, क्योंकि एक राहुल गांधी का जो मसला हम लेते हैं कि राहुल गांधी को आपने हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा रैलियां करते हुए नहीं देखा होगा, बिल्कुल है, आपने यूपी में ज़्यादा रैलियां करते हुए नहीं देखा होगा, बहुत किया है, लेकिन जो लेवल कहते हैं कि अगर बीजेपी शांत और कांग्रेस बौखलाई हुई है, बिल्कुल तो एक जो बात आती है कि इतना खास मुद्दा क्यों बन गया है, बिल्कुल राहुल गांधी के लिए गुजरात चुनाव। देखिए गुजरात चुनाव राहुल गांधी का मसला नहीं, गुजरात चुनाव पूरी कांग्रेस पार्टी का मसला है, बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी साख, अपना हिंदुस्तान की राजनीति में अपना आपको वो पब्लिक तक ले जाना चाहती है, दिखाना चाहती है, जिस तरीके से राहुल गांधी में बदलाव हुआ है और जिस तरीके से 2014 में जो मोदी लहर थी उस लहर को कमज़ोर करने में, तोड़ने में कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव इस चीज़ को बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। 2019 की राजनीति, नरेंद्र मोदी की राजनीति, ये गुजरात का चुनाव ही इस चीज़ पे। लेकिन आपने कहा कि राहुल गांधी में बदलाव दिख रहा है, लेकिन बदलाव कहाँ दिख रहा है? क्योंकि उमा भारती जी कहती हैं कि आप मोदी का जो है वो लेवल पे नहीं आ सकते, बिल्कुल। आपने बहुत सही बात कही कि उमा भारती ने भी पिछले दिनों हार्दिक पटेल को लेके कहा कि हार्दिक पटेल बेटा तुम राजनीति जो मोदी के खिलाफ बोल के TRP ले सकते हो लेकिन वोट नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं अगर नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो मैं राहुल गांधी की अगर बात आप कहना चाह रहे थे कि राहुल गांधी की बात, ठीक है, राहुल गांधी के बदलाव यह है कि अगर आप उनकी स्पीचेस सुने, अगर आप उनके ट्वीट्स देखें, उनकी सोशल मीडिया पे एक्टिवनेस देखें, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर मेरा कहना है, हमारा मानना है कि राहुल गांधी में बदलाव हुए हैं। लेकिन काशिप जी ट्वीट या सोशल मीडिया के जरिए ही तो चुनाव नहीं जीते जाते, बिल्कुल जाहिर सी बात है, धरातल पर जमीन पर काम नहीं। अगर सरकार का धरातल पर काम हो रहा है, बीजेपी का अगर काम दिख रहा है गुजरात में, तो ही तो सत्ता में आएगी, बिल्कुल है। अब कांग्रेस देखो परिवर्तन हर कोई चाहता है कि अगर बीजेपी से जनता अगर बौखलाई हुई है, अगर परेशान हुई है, तो वो चाहती है कि परिवर्तन आए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं में भी बौखलाहट देखने को मिल रही है। आपने बात बहुत सही कही, देखिए ये तो प्रकृति का भी नियम है, बदलाव हमेशा इंसान में होते रहते हैं, बच्चा होता है, बड़ा हो, जवान होता है, बुढ़ापा होता है,
इसी तरीके का राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम बात करें तो राजनीति में भी कुछ इसी तरीके का है कि 2014 में जो 2014 के जो मोदी थे वो आक्रामक रवैया, वो उनके तेवर आज उसमें कहीं ना कहीं कमी आई, उनके वो तेवर, उनके वो आक्रामक रूप वो गुजरात में नहीं आ रहा है। वो गुजरात मॉडल हिंदुस्तान को तो बता रहे हैं लेकिन गुजरात में गुजरात मॉडल नहीं बता पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, काश्यप अली जी का कहना यही है कि जो आकांक्षाएं जो जाग रही हैं राहुल गांधी की, वो शायद कहीं ना कहीं धरातल पर उतर के आएंगी, लेकिन जो बौखलाहट है बीजेपी की और नेताओं की वो भी कहीं ना कहीं वाजिब है, क्योंकि बीजेपी की जो पिछले जो सत्ता काबिज रही है उसमें बहुत सारी खामियां हैं पट्टीदारों की, और जो बड़े जो तिगड़ी जो बताई जा रही है गुजरात की उसमें भी कई उन्होंने भी कई चीज़ों में मुद्दे उठाए हैं। और अब एक सवाल यही उठता है कि हार्दिक पटेल से और हार्दिक पटेल और राहुल गांधी का हाथ मिलन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये तो खैर आगे पता चलेगा और तब देखना होगा कि वास्तव में हार्दिक पटेल और राहुल गांधी ने हाथ मिला लिया है, अगर हाथ मिलाते हैं तो सत्ता में क्या परिवर्तन होगा। आज के लिए इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।